नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिषेक आनंद हूँ। मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ और आज हम बात करेंगे कैंसर के लक्षण के बारे में। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कैंसर। तो कैंसर के लक्षण दो तरह से होते हैं। पहला जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, जो कि सभी तरह के कैंसर में पाए जा सकते हैं, और दूसरा होता है स्पेसिफिक सिम्टम्स, जिसे जो स्पेसिफिक कैंसर में ही पाए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स की बात करें तो सबसे कॉमन है भूख ना लगना, वज़न का कम होना, फटीग या वीकनेस, जिसे हम लोग कहते हैं कि आम भाषा में कमज़ोरी का फील होना या थकावट का महसूस होना, और इसके अलावा फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन का होना। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होते हैं, किसी भी कैंसर में ये हो सकते हैं। और ज़्यादातर कारण इसका साइटोकाइंस होता है, जो कि एक केमिकल्स होता है, कैंसर सेल से रिलीज होते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और क्या क्या कारण है और क्या क्या सिम्टम्स है कैंसर के। तो कहीं भी शरीर में अगर गांठ हो रहा है, जो कि लगातार बढ़ते जा रहा है, जो कि कड़ा है और ठीक ना हो रहा हो, तो वो कैंसर का संकेत हो सकता है। ये गांठ आपके गले में हो सकता है, कांख में हो सकता है, ब्रेस्ट में हो सकता है, आपके पेट में या किसी भी हड्डी में हो सकता है। इसके अलावा अगर बहुत दिन से आपको सांस लेने में तकलीफ़ है या खांसी है या खांसी में खून आ रहा है, तो वो भी कैंसर का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है, कैंसर का संकेत हो सकता है। पेट का फूलना, पेट का दर्द होना, भूख ना लगना, पैखाने या पेशाब में खून का आना, ये सब भी शुरुआती लक्षण है कैंसर के। ये सब होगी शुरुआती लक्षण कैंसर के। लेकिन जब कैंसर एक जगह से फैल के दूसरे पार्ट में चल जाता है तो इसे मेटास्टेसिस कहते हैं। जब एक बार मेटास्टेसिस हो जाती है तो ये स्टेज फोर कहलाता है, और इसमें लक्षण कुछ डिफरेंट प्रकार के होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट को कैंसर इन्वॉल्व कर रहा है। जैसे अगर कैंसर आपके स्तन में है या फिर आपके लंग में है, और वहाँ से कैंसर आपके ब्रेन में चला गया, तो यूजुअली पेशेंट आपके पास आएंगे हेडेक लेके, उल्टी लेके, या फिर उन्हें कन्वल्जन्स आएंगी, यानी कि मिर्गी का दौरा आएगा। तो इस तरह से ब्रेन में मेटास्टेसिस लेके प्रेजेंट करते हैं लोग। अगर आपके कैंसर कहीं और जगह पे है और लंग में फैल गया, तो इससे लोग खांसी, सांस में तकलीफ होना या फिर खांसी में खून का आना, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। अगर लीवर में फैल गया है कैंसर, यानी मेटास्टेसिस आपके लीवर में हो गया है, तो वो पेशेंट पेट में दर्द, स्पेशली ऊपर के साइड में, दाहिने साइड में पेट में दर्द लेके प्रेजेंट करेगा, पेट का फूलना, और या फिर जॉन्डिस यानी पीलिया की बीमारी लेके प्रेजेंट कर सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है हड्डी में मेटास्टेसिस होना, जो बहुत कॉमन देखा जाता है। बहुत बार ऐसे होते हैं कि हमारे हड्डी के डॉक्टर्स देखते हैं, या फिर कई लोकल फिजिशियन, जनरल फिजिशियन के पास पेशेंट जाते हैं हड्डी में दर्द लेके, और जब इवैल्यूएट किया जाता है तो उन्हें हड्डी में मेटास्टेसिस यानी डायरेक्टली स्टेज फोर कैंसर होता है। तो जब कैंसर स्टेज फोर हड्डी में फैल जाता है, तो वो यूजुअली हड्डी में दर्द या फिर फ्रैक्चर लेके भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे ब्लड कैंसर के क्या क्या संकेत होते हैं। तो अगर ब्लड कैंसर थोड़ा डिफरेंट होता है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह से ब्लड को इन्वॉल्व किया जाता है कैंसर के द्वारा, कैंसर सेल्स के द्वारा। ब्लड मुख्यतः तीन तरह से बनता है। एक होता है RBC, जिसे रेड ब्लड सेल कहते हैं, WBC, जिसे वाइट ब्लड सेल कहते हैं, और प्लेटलेट। और इन तीनों में कुछ भी गड़बड़ी होने से उस चीज़ का इफेक्ट हमारे सिम्टम्स और साइंस में आते हैं। तो अगर ब्लड कैंसर किसी को होता है तो वो बुखार लेके यूजुअली प्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा भूख ना लगना, वज़न कम होना, ये सब आम सिम्टम्स है। प्लेटलेट जब कम होता है तो यूजुअली पेशेंट ब्लीडिंग लेके प्रेजेंट करेंगे। उन्हें लगेगा कि जब भी कहीं पे छोटी सी चोट या फिर कट होता है तो ब्लड लगातार आते जाता है और रुकता काफ़ी देर से है। इसके अलावा कहीं स्किन में नीले रंग का या लाल रंग का धब्बा हो रहा है, तो इसका मतलब प्लेटलेट कम है उसे, और उसका इवैल्यूएशन होना चाहिए कैंसर के लिए। बार बार इन्फेक्शन होना या बार बार बुखार आना WBC में इन्वॉल्वमेंट का संकेत है, और हो सकता है कि उसे ब्लड का कैंसर हो। ये सब ल्यूकीमिया की बातें हो गई। अगर लिम्फोमा की बात करें तो यूजुअली पेशेंट शरीर में कहीं पर गांठ लेके प्रेजेंट करेगा, जहाँ पर कि लिम्फ नोड्स कहते हैं उसे, जैसे गले में गांठ हो गया, कांख में गांठ हो गया, या फिर जांग में गांठ हो गया। इसके अलावा आपके लीवर या स्प्लीन में इंक्रीज होगा साइज़ में,
तो ये सब लिम्फोमा की बातें हो गई। और तीसरा होता है मल्टीपल माइलोमा, जिसमें यूजुअली पेशेंट हड्डी में दर्द, अमूमन तौर पे पेशेंट कमर दर्द लेके प्रेजेंट करता है, और जब इवैल्यूएशन होता है तो ये पता चलता है कि उसके हड्डी में काफ़ी सारे लीजन्स है, दिक्कत है, और फर्दर इवैल्यूएशन पे मल्टीपल माइलोमा पता चलता है। मल्टीपल माइलोमा कई तरह का से प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे किडनी में डिसऑर्डर हो गया, हड्डी में दर्द हो गया, और भी कई तरह के सिम्टम्स मल्टीपल माइलोमा में होते हैं। तो ये सब मुख्य सिम्टम्स है और साइंस है हमारे ब्लड कैंसर के लिए। धन्यवाद।